हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक स्मार्ट वाइकर्स फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रिव्यू करने जा रहा हूँ टीवीएस अपाचे RR 310 का, जो एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है जो आती है फुली लोडेड फीचर्स के साथ। वहीं आपको काफी पावरफुल इंजन मिल जाता है 310cc का। दोस्तों, जो यहाँ पर इंजन आता है वो आता है BMW का, जो यूज किया गया है BMW G310R में। दोस्तों, 2017 में TVS और BMW ने अपना कोलैबोरेशन किया था कि यहाँ पर TVS अपाचे RR 310 में BMW का इंजन लगाया जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, वो आपको BMW की तरफ से मिलती है। जो इंजन है वो पूरा BMW G310R का है, बट ओवरऑल बाइक पूरी डिजाइन की है TVS ने। दैट मीन्स कंप्लीट जो लुक देख रहे हैं आप, जो कंप्लीट डीजल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो फीचर्स है, टेल लाइट, फ्रंट लाइट, ये सब TVS की डिजाइन है। बट आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर BMW का मिलता है। तो बात कर लेते हैं कंप्लीट बाइक की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज कौन डिलीवर कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पे फीचर्स की। यहाँ पर आपको TVS का स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिल जाता है, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विद थीम चेंज। दैट मीन्स आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थीम चेंज कर सकते हैं। आप जब भी आप इसको लेने जाएंगे, आपको वो डेमो देंगे या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, आपको थीम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। बात कर ले इंजन कैपेसिटी की। यहाँ पर आपको 310cc का इंजन मिल जाता है, SI 4-स्ट्रोक 4-वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, और यहाँ पर दोस्तों रिजर्व इंक्लाइन मिल जाता है आपको। मैक्स पावर की बात कर ले, यहाँ पर आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड में मिल जाता है 25 किलोवाट एट 9700 RPM पे। वहीं पर आपको अर्बन और रेन मोड में मिलता है 19 किलोवाट 7600 RPM पे। दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छी पावर डिलीवर मिल जाती है आपको। वहीं मैं बात कर लूँ मैक्स टॉर्क की, यहाँ पर 27.3 Nm मिल जाता है 7700 RPM पे। और अर्बन की बात कर लूँ, अर्बन और रेन मोड की, तो 25 Nm मिल जाता है 6700 RPM पे। दोस्तों, काफी अच्छा पावरफुल इंजन है। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, BMW की टेक्नोलॉजी है, तो आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलेगा। बात कर ले क्लच की, तो यहाँ पर आपको रेस ट्यून स्लिपर क्लच मिल जाता है। तो क्लच की जो क्वालिटी है वो एक रेसिंग बाइक को ध्यान में रखते हुए यूज की गई है। स्टार्ट की बात कर ले, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, नंबर ऑफ गियर 6 मिल जाते हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, 11 लीटर का टैंक मिल जाता है। सस्पेंशन की बात कर लूँ, फ्रंट में आपको इन्वर्टेड कार्ट्रिज टेलीस्कोपिक फॉक मिल जाता है। वहीं रेयर में आपको 2 आर्म एल्यूमिनियम डाई कास्ट स्विंग आर्म मिल जाता है। बात कर लूँ ब्रेकिंग की, यहाँ पर आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। वहीं टॉप स्पीड की बात कर लूँ, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है स्पोर्ट्स मोड पे। देन जो अर्बन मोड है वहां पर आपको 125 किलोमीटर का आपको स्पीड मिल जाता है। माइलेज की बात कर लूँ, कंपनी क्लेम करती है 30 किलोमीटर पर लीटर, पर दोस्तों आप ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, आप 25 की ही मान के चलें कि आपको 20 से 25 एवरेज मिलने वाली है। लाइटिंग की बात कर लूँ, फ्रंट में आपको 2 LED प्रोजेक्टर मिल जाते हैं विद LED DRL और LED बैकलाइट के साथ, जो काफी अच्छी स्टाइलिश लुक देते हैं इसको फ्रंट एंड बैक से। काफी अच्छी प्रीमियम बाइक लगती है ये TVS की तरफ से। बात कर ले सीट हाइट की, दोस्तों यहाँ पर आपको 810 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है, जो नॉर्मल बाइक से काफी ऊंची है। तो ये एक इसका मैं डिसएडवांटेज कहूंगा कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बाइक बहुत अच्छी है। कर्व वेट की बात कर ले, 174 किलो की बाइक है यार, तो बाइक काफी भारी है। ऑब्वियसली बात है भारी होगी, इतना बड़ा इंजन है, इतनी बड़ी बाइक है, तो काफी भारी लगी मुझे ये बाइक 174 kg की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। दैट मीन्स कहीं पर भी जल्दी से लगने नहीं वाली, किसी भी हाई ब्रेकर पे या ऑफ रोड में या खड्डों में या पोर्ट होल में कहीं पर भी लगने नहीं वाली। काफी अच्छी बाइक डिजाइन की है यहाँ पर TVS ने। बात कर ले फ्रंट टायर की, आपको फ्रंट में आपको 110x70 का टायर मिल जाता है 17 इंच का। वही रेयर में आपको 150x60 का टायर मिल जाता है 17 इंच का। तो टायर भी काफी अच्छी वाइड रेंज के साथ मिल रहा है कि आपको काफी अच्छी ग्रिपिंग मिलेगी ऑन हाईवेज, इवन ऑफ रोड में भी। बात कर ले कलर्स की, तो यहाँ पर आपको 2 कलर मिल जाते हैं, एक टाइटेनियम ब्लैक जो स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और एक आता है रेसिंग रेड जो ऑलरेडी आपने देखा होगा मार्केट में। बात कर ले एक्शोरूम दिल्ली प्राइस की, 2,59,990 रुपए, दैट मीन्स 2,60,000 रुपए का ये मॉडल है। 2021 वाले की बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट मॉडल आया है। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी डिटेल मिल गई होगी। अब हम बात कर ले ओवरऑल बाइक की यार, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया यार, बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि यार TVS की बाइक इतनी महंगी हम क्यों लें। तो
टीवीएस की जो बाइक है वो महंगी लेने का ये है मेन एजेंडा, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो आपको बीएमडब्ल्यू की मिल रही है, तो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे आप, बिकॉज स्टाइल के साथ साथ आपको काफी अच्छा इंजन मिल रहा है जो बीएमडब्ल्यू की तरफ से आ रहा है, टेक्नोलॉजी बीएमडब्ल्यू की है, तो आप सोच सकते हैं कहीं पर भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वही मैं बात कर लूं फीचर और लुक्स की, तो लुक्स तो आपने देखा ये काफी स्टाइलिश लग रही है। इसी के साथ साथ जो इसका प्राइस पॉइंट है मुझे बहुत पसंद आया, 300cc इंजन के साथ आपको 260,000 एक्स शोरूम, दैट मीन्स आपको 290-295 की 3 लाख के अंडर आपको ये बाइक मिल जाएगी, दैट मीन्स कंप्लीट बाइक मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ एसेसरी इंस्टॉल करानी है, सब कुछ इंस्टॉल्ड है। और सबसे प्लस पॉइंट मुझे उसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं TVS का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बिकॉज TVS में बहुत शिकायत सुनी है मैंने, बट इस बाइक के अंदर जो क्वालिटी इन्होंने यूज़ की है, जो प्रीमियमनेस इसमें इंसर्ट किया है, दैट मीन जो दिखता है, तो मैं इस बाइक को डेफिनेटली परचेज करना चाहूँगा अगर फ्यूचर में मैं करूँ। बट यहाँ पर मेरा जो मेन कंसर्न है वो कम्फर्ट को लेके भी है यार, 810mm की हाइट है, उसके पिलियन की जो सीट है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, तो जो पिलियन की जो सीट होती है ना, मुझे लगता है यार यहाँ पर थोड़ा सा काम होना चाहिए, बट वो स्पोर्ट्स सेगमेंट में नहीं हो सकता, बिकॉज उस बाइक का जो डिजाइन है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका पर्सनल ओपिनियन है कि आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये बाइक परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल ओके है, बट कंफर्ट को लेके मैं इस बाइक को बिल्कुल इग्नोर करूंगा, बिकॉज कंफर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आप नॉर्मल गेड़ी मारने के लिए है, बट इसको हाईवेज पे ले जा सकते हैं, वो भी 1200 किलोमीटर, बट आप इसको ऑफ रोड वगैरह में काफी प्रॉब्लम होने वाला है, आपका नी पेन हो जाएगा, आपके एल्बोज में पेन होना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स वो पर्सनल ओपिनियन होती है, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम फेस करता है स्पोर्ट्स बाइक में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, कोई भी कंसर्न है आपको इस बाइक को लेके, कोई कमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।